हेलो गाइस, हम पहुंच गए हैं अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने व्लॉग वी आर बालोटिया व्लॉग में। आज का व्लॉग है जो मैंने उस दिन बताया था कि मैं घर से तवा लेके आई थी बजाज का, उसकी अनबॉक्सिंग के लिए। मैंने बोला था कि जब मैं इसको अनबॉक्स करूंगी तब वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी मैं, तो अब इसको अनबॉक्स करूँगी। वाओ, पहले नेकलेस का वारंटी कार्ड, ये देखो ये इसका वारंटी कार्ड है। ये बैक साइड से है, ये फ्रंट से है और ये अंदर से है। 5 साल की वारंटी है इसकी। ये देखो, इस पर लिखा भी हुआ है 5 ईयर वारंटी। इसका नाम है बजाज मैजेस्टी TX22H ब्लैक हार्ट एनोडाइज्ड तवा, नॉन स्टिकी तवा है ये। अब इसको निकालूंगी मैं। हाँ जी, ये इसके साइड में कुछ और भी लिखा हुआ है, विश्व स्तरीय खूबियाँ, क्या क्या खूबियाँ है। आधुनिक परिवार के लिए आधुनिक कुकवेयर है ये, तेज़ी से और एक समान से गर्म होता है ये, क्षण और घिसावट के प्रति बेहतरीन प्रतियोगिता, यानी कि घिसावट कम है इसमें। टिकाऊ स्टेनलेस स्टील हैंडल है इसका, जो ये हैंडल है इसका ये स्टेनलेस है, और धातु के चम्मचों का उपयोग किया जा सकता है। फूड ग्रेड चिपकने से बचने के लिए थोड़ा तेल और पानी की आवश्यकता है। और ये मैंने ख़रीदा कहाँ से है, जो अभी 8 तारीख को मेरे भाई की शोरूम की ओपनिंग थी उस पर उस दिन ख़रीदा था मैंने। मेरे भाई के शोरूम का एड्रेस है MC रोड गन्नौर, नियर ले रेसिंग पार्क, और साथ में बैंक भी है, ठीक। और शॉप का नाम, शॉप बोलो शोरूम बोलो कुछ भी बोलो, उसका नाम है राठी इलेक्ट्रॉनिक्स, लहरी सिंह पार्क के बिल्कुल पास में है, MC रोड पे है। साथ में टच है, बैंक कौन सा है वो मेरे दिमाग से स्किप हो गया, कैनरा बैंक है, याद आ गई, कैनरा बैंक है, तो कैनरा बैंक के बिल्कुल साथ में लग रहा है। और जैसे लहरी सिंह उस साइड है और राठी इलेक्ट्रॉनिक्स इस साइड है। अब आते हैं मुद्दे पर, इसको निकालते हैं। तो देखो, ये निकाल दिया जी, ये जो उन्होंने बताया था स्टेनलेस पकड़ने का हैंडल इसका, और ये तवा है बिल्कुल सॉफ्ट। हाँ जी बिल्कुल। बैक साइड बजाज कुकवेयर का है, ये बैच नंबर वगैरह है इस पर। अब इसका उद्घाटन करूँगी मैं। सर्वेश जी के चिल्ले बना गए, इनके चिल्ले चिल्ले हो रही थी, फिर वो जो पहले वाला तवा था ना वो घिस रहा था, उस पर चिपका करती रोटी भी चिपक जाती, इतना घिस लिया था वो, क्योंकि पहला लो का यूज़ करे थे ये। आज फिर मैंने सोची मैं खजला बनाना है तो इससे शुरुआत करा था, इसलिए मैंने निकाल लिया। फिर यो एपोलो थिन इसमें वापस डाल दूँ, डिब्बा कर दूँ बंद, इसने रख दूँ स्टोर में, क्या फेंक दूँ स्टोर में करती है, ठीक है, कब तक ये पैक करना पड़ जावे। और ये जो इसका वारंटी कार्ड है ना, ये मैं इसी के अंदर डाल के रख दूँगी ताकि कभी ढूंढना ना पड़े। इसके अंदर इसका वारंटी कार्ड डाल दिया है, ये वापस बंद कर दिया, अब इसको स्टोर में रख दूंगी। अरे ये कर रहे तुम और काम धंधा सैकना बार बूंदा हीरो और कमले सो तुम ले कहीं फोन न खड़े हो जाओ डोबरे न तुम न काम सैकना सैकम है या बताओगे काम सहना है कुछ ना। मायो नया तवा लकाड़ा था, इसकी वीडियो बनाना थी। यो तवा क्या तो याद आया आज आपके छोरे का मुंह में पानी आ रहा है, नु क्या है मौसम बढ़िया हो रहा है, चापूड़े तार दे चा चिल्ले बना दे रो भी देसी घी के छोरे का बेरा ना तेरा बेरा ना सो तम दोनों चटोरे चुकर कर न बसाओगे तम है आ, आज चले भी ऐ झूठ बोल रहा है। कदे कहो इब चले तारेंगे, कदे कहो हम फिर पूरे तारेंगे, तो थारा खाना पीना यो ये सब बदन चल रहा है तम लेकर उड़े खेत में क्यों ना जानते डालना की प्यो दामा रंगा हो रहा है पार दो ये भी ननू कही है ना आगे मन नहीं कही ठीक है यो तो वही उल्टा पैक करके दे रहा और फिर देखेंगे किसकी जीप पतंगे आ और ये के धरेस है ये तो मबल का थी ले अरे ये तो ये उड़ भी धरिए भाई ये तो बल का थी हमा ए भाई मेरी पोतिया का नाम से अमन तई से दिखे है थारे ओ जने लाग रही से के मैं हाँ पोतिया का नाम से यो ये तो उन्ने थी हवा अच्छा और बात खेत में तो खेत के नाम तो शर्मा दर्द होते नहीं चढ़ा गाई थारा
शर्म है। अरे खाओगे जब कतीचर डगा या इतनी गर्मी पड़ रही राम बिना बरसता गादड़ को ना दे जा गादड़ को ना दे जा मेरे पाते ना तो गादड़ तो मैं देखा हूँ मेरे राम ने पा खुश दिए पिछले साल गादड़ दवान गया जब मेरी पजेब खवा का आया था मैं तो डरती ना जाती क्यों क्यों तो बनवाई भी ना माने बनवा दी के बात कर दो इबे मुंह में पानी आ रहा है के थरा थंबे है इबे मैं मेरा तो थंबा थंबा मैं कर तो ना कर लो और के कर है अरे क्या मां मेरा हाँ। नाम ले जाएगी यार जीव चटके मारेंगे इसके रहने दे मैं तो कई पैक करया तो उल्टा फिर कई है मिलता है ना डटा जा कर थोड़ी सी बार में फिर खत्म हो डेट हो गई अपना करना है करना तुम ने अपन मतनियों को सुतम खेत में भी काम कर लिया करो कर दिया मैंने तो उल्टा पैक हो तो और इब दरकाई मैं तेरे भीतर लोग सामान ना काट का पैक ना करया करते अच्छी बात ना होती देख बोले ना ही बोर बड़ बोर बड़ती है गलत को कोई ना मानना सांझ लग लड़ाई कर देगा ना बनाता है देख माने भी वीरा लड़ाई कर देगा सांझ लगे जाए के मन की चीज ना बनीता है न्यू कया कर अगर देख कर खाइयो और पड़ोसी देख कमाइयो जब काम चल जा कर तुम तो कमाते तो सो को ना पड़ोसिया न देख कर और घर न देख कर खाते नहीं नो क्यों कर चाड़ा हो भाइयो बता क्यों कर चाड़ा हो कर रही है मन में ना वेरा तुम भूख लग रही है बड़ा हम कर रही है मादे मेरे पांव दुख है हां ये पांव दुख तुम न तब आई चखे चाहिए सब और के करूं ठीक है पाया हाँ। पर खड़ी हो जा ना मातू पाया पर खड़ी हो मेरा सर करवा लगा टूट जाएंगे मारे मारे तो सह मेरे सर करवा दे तू रिपोर्ट कर देंगे क्या टूट फूट हो गया ओरे वो ना जाएगी कुछ ना कर डॉक्टर का जावेगी जब न्यू कर रहा था डॉक्टर का जावेगी न्यू कह देंगे पा क्या था टूटे कि मेरी सासू तोड़ दिए ना सासू का ना लियो बटे का नाम लेंगे फिर वो भी मेरा वो होगा फिर बना के खाने है क्यों बार करो हो सांझो सब ने बना के खा लो अच्छा मैं तो जा हूँ चल ली और मैं कर लो ऐसा है थारे डम न भी मर जाएगा तुम न करना सही है मेरी भी तान बाज जाएगी भाई ठीक से माने तो वो एक काम कर दिया उत्ता का नाम बदनाम और शुद्धे काट जा काम मारा नाम बदनाम मारी जीप चटोरी हो रही है अपना काम कड़वा चाला पाट गया भाई तो बस इतनी बात होगी आपका पूरी गाइस हमारी नई तो एक शुरुआत करेंगे चिल्ले के साथ है मैं बोला करूँ चिल्ले और सर्वे जी बोला करे ना चिल्लम चिल्ला यो बेसन है और यो बेसन ही मंगाया है थोड़ा रहता है इसमें ये टमाटर काट लिए मिर्च काटूँगी और जो भी इन्ग्रीडियंट है इसमें वो काट दूँगी जो इसमें मसाले वगैरह डालने हैं वो डाल दूंगी और फिर बताऊंगी देसी घी के बनवाया करें ना तेल में बनवाया कदे भी ना रिफाइंड में बनवा देसी घी के चिल्ले खाया करें मेरा तो देखो भी तो लग गया नहीं करें मैं चे घी में गढ़ लूँ कौन कह दे मैं देसी घी के चिल्ले खाती हूँ और हाँ और हमारे परिवार में सब सही हैं सेहतमंद हैं कोई नाम ना दर सकता नमक मरे पड़े हैं नूसर नूसर ये जो बेसन सर्वेश जी पर मंगाया ये और डाल दी उसमें बाकी के मसाले डाल दिए हैं और ये गरम मसाला और रहे थे ये और डाल दिया है थोड़ी सी हल्दी भी डाल दूँ बढ़िया कलर आ जाएगा बाकी के धनिया या साबुत धनिया पिसा हुआ धनिया ख़त्म हो रहा है इसलिए नहीं डाला है मैंने इसमें बंद करके रख दूँगी चिल्ले का पैटर बिल्कुल तैयार है इसमें वेजिटेबल्स कट कर दी हैं और तवा रख दिया है गैस पे यो घी है घी लगा दूंगी इस पर इसके इंस्ट्रक्शन में लिख रहा था सॉरी कि घी का और तेल का मतलब जा का भी यूज करो कम यूज करना है ज़्यादा नहीं यूज करना इस पर क्योंकि नॉन स्टिकी है ना इसलिए 1 2 3 चिल्ले की शुरुआत कर दी है बच्चे चीजें मांगण लाग लिए हैं ये हमारा छोटा नहीं सुनया करे और जैसा कि नॉन स्टिकी है
ये बिल्कुल आराम से उठ गया है। अभी थोड़ा और गीला करना है। दूसरी साइड पे नहीं फेंकना। घी अब जुकर घी तता रहे ना तो जल्दी वो सोख लिया करे घी ने, तेल के मुकाबले में घी ने जल्दी सोखा करे, ज्यादा लग गया करे घी, तेल तो दुगना लग गया करे। कच्चा ना रहे इसलिए थोड़े बीच में इसमें एक कट से मार दूंगी, इसलिए कते भी कच्चा नहीं रहेगा बीच में, तो कोई गुंजाइश नहीं है कच्चा रहन की। देखो दो बार घी लगा लिया मैंने, अभी भी कच्चा कच्चा दिखा है, यो फर्क है घी में तेल में। तेल तो एक बार ये लगाने में, वैसा तेल यूज नहीं करते हम, घर का हाथ का तेल यूज करा कर, जो घर का कटवाया ओड़ो सरसों का मस्टर्ड ऑयल टीचर जी सिखा रही हूँ और मैं पीछे पीछे बोल रही हूँ। तो ये पहला चिल्ला बन के हो गया है तैयार, दे दो माने। तो अब काम हो गया ख़त्म चिल्ला का, माँ ने भी खा लिए, बच्चे ने भी खा लिए, सर्वेश जी ने भी खा लिए, मैं रह रही हूँ खानी ही, गरीब मानस है मैं भी खा लूँ एक बार बैठ के। दुष्ट चिल्ला दिए अपने सर निकल जाएगा, फिर ये जो आड़े था बाढ़ दीना माँच गया, ये सारा साफ करना है। पर पहले न क्या कर रहा है, पहला पेट पूजा फिर काम दूजा, था पहला पेट पूजा करूँगी फिर काम दूजा करूँगी। बाय बाय। और ये हमारी है आज की बनाई हुई चटनी, सॉस नहीं खाया कर रहा हमें, खा भी लें का दिनों कति परहेज भी ना, पर ज़्यादा तो यह थाली चटनी है यूज़ करें अगर ये खा कर ना बताऊँगी किसे बने। माँ अपने किसे लग गए ये बहुत बढ़िया वे, पर माँ का तो अटक गए थे टिटवे में बटे उसे पटरे मर्यादा चढ़ा है आने दे जैसे का फोन कहूँगी माँ नु कति बटे उसे पटरे हैं बटे उसे पटरे से आपके में कमाल बना ओए ये छोटी छोरी आली बात से यमी 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 है भाई, छोटी छोरी क्या करे हमारी या डक्सी मका योती सवाल दे इतने बढ़ रहे हैं नुकते क्या गया ना अपने पास में लठ गट गया तो ते लठ गट रहा है। ऊपर तो मौसम भी बढ़िया हो रहा है बारिश का, क्या मैं मौसम के में टेस्टी खाना बस कति पड़ोसी है पट रहे हैं कोई सुना गानू कहगा एक ना बटे पीट दिया एक ना पड़ोसी पीट दिया ये सासो बुरा नहीं छूट रही है। फिर मैं खा लूँ, मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में।